भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा महाकुंभ संपन्न। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस न्यूज एमपी लाइव में मैं हूं रुमाना। और आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रैली को संबोधित करते हुए एक ओर जहां अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी तारीफों के पुल बांधे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नरेंद्र मोदी का कहना है कि आज पूरे देश में बीजेपी का बोलबाला है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी की आंधी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग सर्वेक्षणों में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह की तारीफें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज देश के बेहतरीन शामिल राज्यों में से एक है। मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे पंडित दीनदयाल जी के संग रहने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनकी कार्यशैली की झलक शिवराज सिंह के कामों में मिलती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह लालघाटी चौराहा पहुंचकर एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आर्य बैग, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। गांधी जयंती के अवसर पर 2 से 8 अक्टूबर तक संपूर्ण प्रदेश में मध्य निषेध सप्ताह का आयोजन होगा। इस दौरान मादक द्रव्य और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। नशाबंदी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए रचनात्मक आयोजन कर लोगों को समझाया जाएगा। इस उद्देश्य से सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और विभागीय जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर मग्न निषेध सप्ताह में होने वाले आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2013 को रात्रि 8 बजे जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन रवाना होगी। इस यात्रा में जाने वाले तीर्थ यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वे निर्धारित समय से पूर्व पहुंचकर सुनिश्चित करें। वित्तीय योजना, आर्थिक, सांख्यिकी, वाणिज्य कर, जल संसाधन और पर्यावरण मंत्री श्री जयंत मलैया को टीकमगढ़, भोपाल और सागर तीनों जिलों का प्रभार सौंपा गया है। इस संबंध में आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में राज्य सरकार ने कौशल उन्नयन योजना में 2 साल में 50,000 आदिवासियों को स्वरोजगार योजना प्रशिक्षण दिलाए जाने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश के आदिवासी बहुल नवासी विकासखंड में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विद्या का प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ये प्रयास किया गया है कि प्रत्येक आदिवासी विकास खंड में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध रहें। कौशल उन्नयन में अब तक 28,500 आदिवासी युवा को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।